तो यहाँ पर मैंने दो बड़े प्याज को जो है वो लंबा लंबा इस तरीके से काट लिया है, क्योंकि हमें कांदा भजी या अनियन पकोड़ा जो बनाना है उसके लिए इसी तरीके से हमें जो है वो प्याज को काट लेना होता है। तो इसे मैंने इस तरीके से काट लिया। इसे हम एक बड़े से बाउल में डाल लेंगे। अब इसमें दो हरी मिर्च डालूंगी मैं, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। आप चाहे तो थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बट ये थोड़ी स्पाइसी है इस वजह से मैं दो ही का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे हम, तो कड़ी पत्ते को हम हाथ से थोड़ा सा तोड़ कर इसमें डालेंगे, जिससे कि कड़ी पत्ता बहुत ज़्यादा मुँह में नहीं आएगा और एक अच्छा फ्लेवर इसका और अच्छे से आ जाता है। इस तरीके से हम तोड़कर इसे भी डाल देंगे। और साथ ही में यहाँ पे दो बड़े चम्मच हम लगभग हरा धनिया कटा हुआ उसे भी डाल देंगे। आधा टीस्पून हम इसमें जो है वो हींग डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार, वैसे मैं एक टीस्पून डाल रही हूँ। आधा टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर और एक टीस्पून हम इसमें जो है वो अजवाइन डालेंगे। ये भुनी हुई अजवाइन है, इसे हम हल्का सा हाथों से इस तरीके से क्रश करके फिर इसमें डाल देंगे, जिससे कि इसका स्वाद और भी अच्छा आ जाएगा। और इसे हमें अच्छे से अब मिला लेना है, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से प्याज में लग जाए। इस तरीके से हम सभी चीज़ों को अच्छे से लगा लिया है और इसे अब हम ढक कर लगभग आधे घंटे के लिए एक तरफ रख देंगे, जिससे कि प्याज जो है वो अच्छे से नरम हो जाए। तो आधे घंटे के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज हमारे काफ़ी अच्छे से नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें जो है वो आगे की प्रोसेस करेंगे। अब इसमें हम एक कप जो है वो बेसन डालेंगे और बेसन को इसमें अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। इसमें हमें किसी भी तरह का कोई सोडा नहीं डालना है, ना ही चावल का आटा डालना है। और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे, जैसे कि हमें आमतौर पर हम पकौड़ों का बैटर तैयार करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इसका भी तैयार कर लेंगे हम। और उसके बाद में यहाँ पर हम दो बड़े चम्मच जो है यहाँ पर गरम तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे हमारे जो पकोड़े हैं वो काफ़ी कुरकुरे और काफ़ी अच्छे बनते हैं। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसमें। तेल अच्छा गरम होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा जो पकोड़ा का बैटर है वो तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम पकोड़े बनाना स्टार्ट कर लेंगे। कढ़ाई को मैंने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया है उसमें तेल को। तो चलिए अब पकोड़े बना लेते हैं। तो यहाँ गरम तेल में हम हमारे पकोड़े जो है वो डाल लेंगे, बड़े छोटे जो भी साइज़ आपको पसंद है आप उस हिसाब से बना सकते हैं। इस तरीके के प्रोसेस से बहुत अच्छे और बहुत क्रिस्पी और काफ़ी टाइम तक के जो पकोड़े हैं हमारे अच्छे क्रिस्पी रहते हैं। अगर हम सोडा डालते हैं इसमें तो सोडा जो है वो ऑयल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। और इसको हम अब पलट लेंगे, ताकि सब तरफ से हमारे जो पकोड़े हैं, जिसे मराठी में कांदा भजी भी कहते हैं, उसे अब हम पलट लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे हमें फ्राई कर लेना है, हाई फ्लेम पे मत कीजिएगा वरना सारे पकोड़े जो है वो जल जाएंगे। तो अब हमारे जो पकोड़े हैं वो तैयार हो गए हैं। इसे अब हम निकाल लेंगे, अच्छे से तेल को निचोड़ते हुए हम इसे जो है निकाल लेंगे। एक टिश्यू पेपर पे इसे निकाल लेंगे हम, जिससे भी जो भी एक्सेस ऑयल होगा वो भी निकल जाएगा। और यहाँ पर हमारे जो कांदे भजे हैं वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं। बाकी के भजों को भी हम इसी तरीके से जो है वो फ्राई कर लेंगे और इसे बिल्कुल एकदम गर्मा गर्म हम जो है वो सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पर शाम की चाय के साथ में बढ़िया से कांदे भजे, वो भी बरसात के दिनों में, तो बहुत ही टेस्टी और यमी लगते हैं।
आपको रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही में अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर भी ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको अगली रेसिपी वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।